सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आज हम लोग कोल इंडिया के लास्ट सब्जेक्ट को डील करेंगे, दैट इज इलेक्ट्रिकल मशीन। और ये कोल इंडिया ही नहीं, ये जो मैं मशीन और पावर सिस्टम आपको डील किया हूँ या दूसरा सब्जेक्ट भी जो डील हुए, वो सिर्फ कोल इंडिया एग्जाम के लिए नहीं, बहुत सारे एग्जाम्स आपके कवर हो सकते हैं यहाँ पे। चाहे वाईजेक स्टील की बात करें हम लोग, चाहे आप बार्क, तो नहीं बोलूंगा क्योंकि बार्क में थोड़ा सा न्यूमेरिकल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं जो वन मार्क्स में होते हैं। आप SSC JEE में भी इन क्वेश्चन की सीरीज का फायदा उठा सकते हैं क्योंकि कॉन्सेप्ट वही है। सारी जितनी भी टेक्निकल एग्जाम होती है, एक या दो एग्जाम अगर छोड़ दें, जो कि जैसे बार्क का जो पेपर होता है, इसरो का पेपर होता है जो आजकल लेटेस्ट वर्जन में होने लगा है, तो वहां पर हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी जो गेट के वन मार्क्स क्वेश्चन होते हैं उन पर ज्यादा फोकस होता है। अदरवाइज बाकी जितनी भी एग्जाम से जहां पर कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन करना है, जितनी भी टेक्निकल एग्जाम से, उसमें जो ये अभी मैं मशीन डील करने वाला हूं वो तो सारे एग्जाम्स के लिए आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आप कोई सा भी हिंदुस्तान का कोई सा भी एग्जाम दीजिए, चाहे अपना स्टेट का कोई एग्जाम दीजिए, कहीं पर भी दीजिए, मशीन, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, नेटवर्क, ये चार चीजें हर जगह पूछी जाती है और इन्हीं चार चीजों से आपका 60-70% पेपर बनता है। तो ये जो कोल इंडिया के लिए जो सीरीज बनाई गई है, इसको आप, जरूरी नहीं कि कोल इंडिया के लिए, अगर आपने दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के लिए भी आप पढ़ सकते हैं। बट हाँ, खरीदने से पहले आप कम से कम पता कर लीजिएगा कि क्या ये सूट करेगा। पता चले आपने कोई ऐसा एग्जाम भरा है जिसका सिलेबस कुछ मैच नहीं कर रहा है या क्वेश्चन अलग तरीके से पूछे जाते हैं, तो आप परचेस करने से पहले एक बार हमारी जी सेंट्रिक टीम की टेक्निकल टीम से आप पूछ सकते हैं कि ये कोर्स इस एग्जाम्स के लिए अवेलेबल है कि नहीं। ठीक है, कोल इंडिया के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिसर्च करेंगे कुछ एग्जाम्स के ऊपर और उन एग्जाम्स का देखेंगे कि कौन से सिलेबस कैसा होता है, उसके हिसाब से हम रिकमेंडेशन करेंगे। ऐसा नहीं कि आप बिना जानकारी के आप इस कोर्स को परचेस करें। ठीक है, आप अपना सिलेबस देखिएगा, कौन जो उनसे एग्जाम का देना है आपको, वो अगर मैच कर रहा है आपके इससे, आपके प्लेलिस्ट से, तो आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे मेनली इलेक्ट्रिकल मशीन पे, और सबसे पहली मशीन में पढ़ाऊंगा DC मशीन। मैंने गेट के लिए एक रिंग बूस्टर सीरीज बनाई थी जो 99 रुपीज में आपके प्ले, जो एप्लीकेशन है हमारी जी सेंटर के ऐप पे जो डाउनलोड करते हो आप प्ले स्टोर से, वहां पर अप्लीकेबल है, उसमें आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी 99 रुपीज में। तो उस कोर्स में मैंने पहली मशीन जो डिस्कस करी थी वो ट्रांसफार्मर डिस्कस करी थी, क्योंकि गेट पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रांसफार्मर से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। बट ऑन दी अदर हैंड, ऐसे एग्जाम जहां पे हम लोग जिसकी तैयारी कर रहे हैं, जहां टाइम कम है, क्वेश्चन ज्यादा कर रहे हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो डीसी मशीन से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और कंफ्यूजन भी बहुत होता है। यहां पर चार ऑप्शन के बीच में कंफ्यूजन भी बहुत ज्यादा होता है डीसी मशीन में। खासकर ट्रांसफार्मर के क्वेश्चन में ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल पूछते हैं ट्रांसफार्मर से, बट डीसी से बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन जो है वो डीसी के अंदर है। ट्रांसफार्मर में भी इतना कोई झमेला नहीं है बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन का, बट डीसी मशीन में बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन डिटेल होने की वजह से यहां से क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे थ्योरेटिकल वर्जन से। तो हम लोग हर एक चीज को डिस्कस करेंगे, हर एक मैंने जो भी क्वेश्चन उठाए हैं वो ऐसा है कि आपका लगभग लगभग पूरा डीसी मशीन आपका रेडी हो जाए। कुछ 250 क्वेश्चंस की सीरीज चलेगी, 250 या 260, जिसमें आपकी स्पेशल मशीन्स को भी मैंने कवर किया है जो आपके एप्लीकेशंस बेस्ड होती हैं, कि ठीक है इस वाले वॉशिंग मशीन में कौन सा मशीन लगता है, मिक्सर में कौन सा मशीन लगता है, जबकि जीरो मशीन में कौन सा मशीन लगता है। तो बहुत सारे जो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होते हैं, जो स्पेशल मशीन डिजाइन होती है, उनके एप्लीकेशन बेस्ड भी कुछ कुछ क्वेश्चन मैंने अंदर की साइड में मिक्स करे हैं। ठीक है, तो जर्नी बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपको, और इतना टाइम इसलिए भी लगा है इसमें बनाने में क्योंकि कुछ क्वेश्चन छांटने पड़ते हैं, हैंड रिटन, ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपने क्वेश्चन उठा लिया है, सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो वहां से सिलेक्शन क्वेश्चन का जो सिलेक्शन करना था, और मेरे सामने बिगेस्ट चैलेंज था कि मशीन में 250 क्वेश्चन के अंदर सब कुछ कवर हो, इस वजह से और आपने देखा होगा कि मेरी ही हैंडराइटिंग में आपको PDF मिलेगी, वो मैंने पर्सनली अपनी हैंडराइटिंग में बनाई है, ताकि ऐसा नहीं हो कि कुछ ऑप्शंस लिखने में इधर उधर हो जाए। मैं चाहता तो मैं किसी और को भी PDF दे देता, बट वो हम लोगों ने, पूरी टीम ने हमारी PDF जो है, रिस्पेक्टिव फैकल्टी जो भी सब्जेक्ट डील करी उसी फैकल्टी ने PDF अपनी हैंड रिटन में बनाई है। ठीक है, जिससे आपको कन्फ्यूजन कम से कम हो। तो आप PDF लेके बैठे होंगे, आप, आई होप आपके पास PDF भी होगी और PDF लेके बैठे होंगे, PDF आपको जल्दी मिल गई थी, और अब हम लोग क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन के बीच बीच में जहां जहां कॉन्सेप्चुअल डिटेल की जरूरत पड़ेगी वो मैं आपको बताते रहूंगा,
तो डीसी मशीन से हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसमें मैं वर्किंग वगैरह सब नहीं बताने वाला कि मशीन वर्क कैसे करती क्या करती है। मैं समझता हूं कि आप इतना इनफ मेच्योर हो कि आपको वर्किंग वगैरह, क्योंकि आप बहुत सारे फाइनल ईयर या पास आउट स्टूडेंट ही इस कोर्स को देख रहे होंगे, इस वजह से मैं ये एक्सपेक्ट करके चलता हूं कि आपका लगभग बहुत सारा बेसिक्स क्लियर होगा। नहीं भी क्लियर होगा तो जहां जहां मुझे लगेगा क्वेश्चन के बीच में वहां मैं कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करूंगा। ठीक है गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश करते हैं हम लोग। तो पीडीएफ ले लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ अ डीसी मशीन। जल्दी से स्टूडेंट देखते हैं, डीसी मशीन देखते हैं और डीसी पर टिक कर देते हैं। ठीक है, आपको एक चीज बता दूं मैं आपको कि डीसी मशीन के अंदर जो अंदर की साइड में जो पावर जनरेट होता है, जो भी जनरेट होता है, दैट इज साइनोसॉइडल नेचर। जो ईएमएफ या जो भी हमारा करंट जनरेट हो रहा है वो क्या है, हमारा साइनोसॉइडल नेचर का होता है। जनरेशन हमेशा एसी में होता, चाहे वो डीसी मशीन हो चाहे एसी मशीन हो, बट जो साइनोसॉइडल जनरेट हुआ है उसको आउटपुट में हमने डीसी बनाने के लिए, ठीक है, आउटपुट में हमने क्या करा, अंदर की साइड में हमेशा साइनोसॉइडल होगा अंदर, इनसाइड आर्मेचर। ठीक है, चाहे वो करंट हो चाहे इंड्यूस ईएमएफ हो, जब वो कम्यूटेटर लग जाता है तो कम्यूटेटर इसको क्या बनाता है, लगभग डीसी, पूरा प्योर डीसी तो नहीं बनाता है, पहले पल्सेटिंग फिर नंबर ऑफ कॉइल्स हम लोग इंक्रीज करते जाते हैं, तो पल्सेटिंग को हम लोग रिपल वाले करंट में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो रिपल वाला करंट ही हमारा, ये वाला जो करंट है प्योर डीसी तो नहीं, ये वाला डीसी हमारे लिए चल जाएगा, बट पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में इस रिपल को भी हम लोग खत्म करते हैं क्योंकि हार्मोनिक्स एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यही सेम डीसी मशीन अगर ड्राइव के लिए यूज होगी, मान लो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन के लिए यूज होगी यही मशीन, तो वहां पर हमको एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। इस वजह से इस डीसी नेचर को भी हम लोग प्योर डीसी में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे लिए यही डिजायरेबल आउटपुट है। तो अभी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, द करंट इन आर्मेचर कंडक्टर ऑफ अ डीसी मशीन, अंदर की साइड में क्या होता है, एसी होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर, है ना। प्योर डीसी, पल्सेटिंग डीसी, प्योर पल्सेटिंग डीसी, डीसी, ये पल्सेटिंग डीसी पे हमारा दिमाग जाने की कोशिश करता है। ठीक है, बट क्या आंसर, सी है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी सेगमेंट्स विल बी देयर फॉर अ कम्यूटेटर ऑफ अ 6 पोल डीसी मशीन हैविंग अ सिंपल वेव वाउंड आर्मेचर विद 72 स्लॉट्स। ठीक है, तो पहली चीज तो बता दूं मैं आपको कि जो आर्मेचर होता है, कम्यूटेटर जो होता है, ये दैट इज कम्यूटेटर, ये कम्यूटेटर, इस कम्यूटेटर में नंबर ऑफ सेगमेंट्स होते हैं जिसको अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, ये कम्यूटेटर सेगमेंट और ये है माइका नाइट, ये है माइका नाइट, है ना, ताकि दोनों के बीच में क्या रखें, इंसुलेशन, शॉर्ट सर्क्यूट नहीं हो कॉइल्स के बीच में। तो ये कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, तो जितने कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं, ये ना 1 2 3 4, ये सारे सारे क्या है, कम्यूटेटर सेगमेंट है। जितने यहां पर देखिए 1 2 3 4, ये भी सारे सारे कम्यूटेटर, ये पेरिफेरल में मैंने बताया एक 3D मॉडल में और ये 2D मॉडल में बताया। तो जितने भी कम्यूटेटर सेगमेंट होते हैं उतनी ही क्या होती है, कॉइल। तो आज से ये बात तय है कि सेगमेंट, नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉइल हो जाएगा। और आपको कॉइल की इंफॉर्मेशन नहीं पूछी, आपसे पूछा है क्या, पूछा हाउ मेनी सेगमेंट्स विल बी देयर, आपसे सेगमेंट पूछा है, तो कॉइल, सेगमेंट इक्वल टू कॉइल। और इन जनरल अगर कुछ मेंशन नहीं करे तो बाय डिफॉल्ट हम लोग डीसी मशीन में डबल लेयर वाइंडिंग यूज करते हैं। कौन सी यूज करते हैं, डबल लेयर वाइंडिंग्स में कॉइल, जितनी कॉइल होती है उतने ही क्या होते हैं, हमारे स्लॉट होते हैं, जितनी कॉइल होती है उतने ही क्या होते हैं, स्लॉट होते हैं। तो स्लॉट के बराबर कॉइल, कॉइल के बराबर सेगमेंट, तो सेगमेंट के बराबर क्या हो जाएगा, हमारा स्लॉट हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर 72 स्लॉट्स है तो सेगमेंट भी कितने लगेंगे, हमारे 72 ही लगेंगे। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर यहां पर सिंगल लेयर वगैरह होता तो दिक्कत होती है। ठीक है, सिंगल लेयर में अलग होता रिलेशन, यहां पर हमारे डबल लेयर में कॉइल इक्वल टू क्या होता है, स्लॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द स्लॉट वेजेस इन अ डीसी मशीन मेड अप ऑफ सिलिकॉन स्टील। ठीक है, इसका ध्यान रखना, बहुत ईएस में भी आया हुआ एक बार है। ठीक है, तो व्हाट आर द स्लॉट वेजेस के नाम से अगर पूछा आपसे इन अ डीसी मशीन मेड अप ऑफ, तो आप क्या लगा देंगे, सिलिकॉन स्टील। टू रिड्यूस एयर गैप के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, सारा इतना डिटेल की जरूरत नहीं है आपको, आप सिलिकॉन स्टील लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन, इन अ डीसी मशीन्स कॉमा द लेमिनेटेड पार्ट्स आर आर्मेचर एंड। दो चीज दे रखी, आर्मेचर में तो करते ही करते हम लोग लेमिनेशन, और साथ में किस में करेंगे, चार ऑप्शन है आपके पास, कोर, यॉक, पोल और पोल शू। ठीक है, तो यहां पर हम लोग पास चार ऑप्शन, एक चीज बता देता हूं मैं पहले कि ये है हमारा, थोड़ी देर के लिए ये स्लॉट बनाया मैंने, ये स्लॉट बनाया और यहां पर मैंने क्या कर दिया, ये मैंने कर दिया। ठीक है, पहले चीज, डीसी मशीन में लेमिनेशन करते क्यों है, टू प्रिवेंट कोर लॉस। क्या है ना,
क्या करते हैं हम लोग, लेमिनेशन करते हैं क्यों डीसी मशीन में, क्योंकि प्रिवेंट कोर लॉस। कोर लॉस होता क्या है हमारा, एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉसेस, ठीक है। तो यहां पर लेमिनेशन का मतलब है हमारा, लेमिनेशन का मतलब है कि एडी करंट को प्रिवेंट करना, ठीक है, क्योंकि सीआरजीओएस मटेरियल वगैरह सब मटेरियल स्टिक जो भी होता है वो हमारा हिस्टेरेसिस होता है। तो यहां पर लेमिनेशन बाय डिफॉल्ट हम कोर लॉस भी बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, अगर और प्रिसाइसली बोलना है टू रिड्यूस एडी करंट बोल सकते हैं हम लोग। तो मोटा मोटी हम क्या बोल सकते हैं, लेमिनेशन इज यूज टू रिड्यूस एडी करंट। अब एडी करंट कहां कहां बनता है, पहली चीज तो ये समझिए कि ये है योक, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, योक बोलते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं पोल कोर, क्या बोलते हैं, पोल कोर, इसको बोलते हैं पोल कोर, और इसको बोलते हैं पोल शू, इसको क्या बोलते हैं, पोल शू, पोल शू, ठीक है। अब क्या होगा, आर्मेचर के अंदर की साइड में तो एसी डेवलप हो रहा है, क्योंकि पहला क्वेश्चन हमारा वैसा ही था। तो यहां पर ये जब एसी आता है, एसी आता है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी होगा वोल्ट, है ना, एसी एनालिसिस आता है तो यहां पर अंदर की साइड में अगर एसी वेवफॉर्म है तो यहां पर फ्रीक्वेंसी भी होगा। तो इस पोल शू को भी क्या होगा, इसके अंदर भी एडी करेंट के चांसेस बन जाते हैं। इस वजह से हम क्या बोलेंगे कि आर्मेचर के साथ साथ पोल शू को भी हमको क्या करना पड़ेगा, लेमिनेट करना पड़ेगा। देखो पोल कोर को लेमिनेट करने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ में, सिर्फ और सिर्फ पोल शू, क्योंकि पोल शू ही क्या हो रहा है हमारा, जो एसी डेवलप एसी वेवफॉर्म जनरेट हो रही है उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो एडी करंट डेवलप होने के चांसेस कायम होंगे, पोल शू में ज्यादा होंगे। तो आर्मेचर के साथ साथ क्या आएगा आपका, यहां पर पोल शू आएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, टू प्रिवेंट एडी करंट हम लोग क्या यूज करते हैं, लेमिनेशन यूज करते हैं। तो लेमिनेशन कहां कहां करेंगे, आर्मेचर और पोल शू पे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इन अ डीसी मशीन आयरन लॉस ऑकर्स इन, देखो रिलेटेड क्वेश्चन है, आयरन लॉस कहां हो रहा है, आयरन लॉस कहां कहां होगा, आर्मेचर कोर होगा, तभी तो लेमिनेशन किया हम लोगों ने। तो यहां पर एक तो आर्मेचर कोर भी होगा, ठीक है, और योक, योक में होगा क्या लेमिनेशन, लेमिनेशन नहीं कर रहा मतलब लॉस भी नहीं हो रहा है वहां पे। पोल कोर्स, पोल कोर में भी क्या हो रहा है, यहां पर भी हम लोग लेमिनेशन नहीं कर रहा, इसका मतलब कोर लॉस यहां पर भी नहीं होगा, ठीक है। और पोल शू, बिल्कुल, तो दोनों कनेक्टेड क्वेश्चन है, फोर्थ और फिफ्थ, पूछने का तरीका बदल गया है। एक में लेमिनेशन, लेमिनेशन क्यों करते हैं, टू प्रिवेंट कोर लॉस, कोर लॉस में भी टू प्रिवेंट एडी करंट, ठीक है, प्रिसाइसली, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ आ जाएगा, तो आर्मेचर कोर एंड पोल शू। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर सिक्स, इन अ डीसी जनरेटर प्रोबेबल कॉज ऑफ फेलियर टू बिल्ड अप वोल्टेज इज। अब देखो एक चीज बताता हूं मैं आपको कि किसी भी डीसी जनरेटर में, चाहे वो शंट हो चाहे सीरीज हो, कुछ नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए, और किसमें, सेपरेटली एक्साइटेड में नहीं, ये बाय डिफॉल्ट सेल्फ एक्साइटेड, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में जब वोल्टेज बिल्डअप होगा, वोल्टेज बिल्डअप, उसके लिए कुछ नेसेसरी बिल्डअप, वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए कुछ नेसेसरी कंडीशन होना चाहिए। उसमें पहली कंडीशन है रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स होना चाहिए उसके अंदर। दूसरा ये कंडीशन है कि उसमें फील्ड और आर्मेचर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होना चाहिए। पता चले फील्ड वाइंडिंग आपने रॉन्ग कनेक्ट कर दी अगर आर्मेचर से, तो गलती हो सकती है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म भी खत्म हो सकता है। तो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म तो होना चाहिए, सेकंड क्या है आपका, फील्ड और आर्मेचर की वाइंडिंग बहुत अच्छे से कनेक्टेड होना चाहिए। थर्ड एक और क्या है कि जो आपका फील्ड का, जो फील्ड का रेजिस्टेंस है आरएफ, फील्ड रेजिस्टेंस है, फील्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होना चाहिए क्रिटिकल। देखो एक दो चीजें होती है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस होता है और क्रिटिकल स्पीड होता है। तो आपका जो फील्ड रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ठीक है, जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होती है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो उसके बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए हमारा जो फील्ड, जो फील्ड रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी हमारी क्या होनी चाहिए, थोड़ी सी कम होनी चाहिए, ठीक है। और स्पीड, जनरेटर की स्पीड इतनी भी कम नहीं हो जाए, वो लास्ट स्पीड जहां तक जनरेटर वर्क कर रहा है उस लास्ट स्पीड को क्या बोलते हैं, जैसे 1500 आरपीएम का मान लीजिए जनरेटर है, कम होते 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 600 आरपीएम, अब 600 आरपीएम से और कम करोगे आप तो उसके बियॉन्ड हमारा जनरेटर वर्क नहीं करेगा। इसका मतलब वो जो 600 आरपीएम वो क्या है, क्रिटिकल स्पीड है, मतलब आपका जनरेटर स्पीड जो भी है वो क्रिटिकल स्पीड से अबव होना चाहिए, मतलब 600 आरपीएम के क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए, 800, 900, 1000, 1500 चलेगा, ठीक है, बट उसके नीचे नहीं होना चाहिए। तो दैट इज क्रिटिकल स्पीड। तो आपकी जो स्पीड है वो क्रिटिकल स्पीड से क्या होनी चाहिए, हमेशा अबव होना चाहिए। क्रिटिकल स्पीड लेट अस सपोज 600 आरपीएम है, तो 600 आरपीएम से ऊपर होना चाहिए। मान लीजिए फील्ड क्रिटिकल रेजिस्टेंस है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस 300 ओम है, तो आपका फील्ड रेजिस्टेंस क्रिटिकल रेजिस्टेंस से कम होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि फील्ड रेजिस्टेंस शुड बी लेस देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस, और
आपका जो स्पीड है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल स्पीड। तो 1, 2, 3, 4 और एक होता है ब्रश कॉन्टेक्ट आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो एक वो एडिशनल पॉइंट है ही है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है, ये तो मैंने कंडीशन बताई है कितनी कंडीशन होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है इन अ डीसी जनरेटर प्रोबेबल कॉज ऑफ फेलियर टू वोल्टेज बिल्डअप। उल्टा क्वेश्चन है, फेलियर कैसे हो सकता है। तो यहां पर इम्परफेक्ट ब्रश कॉन्टेक्ट बिल्कुल अगर नहीं होगा तो बिल्कुल हो जाएगा। सेकेंड, नो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इन द जनरेटर ड्यू टू फॉल्टी शंट कनेक्शन। तो रेसिडुअल तो होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो बिल्कुल फेलियर होगा। थर्ड है आपका फील्ड रेजिस्टेंस हायर देन क्रिटिकल रेजिस्टेंस। तो फील्ड रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, शुड बी लेस देन। तो इसमें क्या बोला है कि फेलियर के लिए क्या है, तो बिल्कुल अगर ज्यादा होगा, इससे ज्यादा हो जाए क्रिटिकल रेजिस्टेंस से तो फेल होगा। तो ऑल ऑफ अबोव दी इज दी आंसर। तो डी इज दी करेक्ट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, मैंने लगभग सारी चीजें यहां पे बता दी जो इसमें मेंशन भी नहीं है। क्रिटिकल स्पीड भी मेंशन नहीं है, बट अदरवाइज मैंने यहां पर बता दी, आपको ध्यान रखना है सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लग रहा है मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 में द आर्मेचर रेजिस्टेंस ऑफ अ 200 वोल्ट डीसी जनरेटर मशीन हैज 0.5 इफ द फुल लोड आर्मेचर करंट इज 50 एम्पीयर, व्हाट विल बी द इंड्यूस्ड ईएमएफ व्हेन द मशीन एक्ट एज अ जनरेटर एंड मोटर, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब पूछे ना, ऑप्शन ऐसा है तो ध्यान रखना है, पहले मोटर का नहीं कर दो, पहले क्या पूछा है जनरेटर पूछा, जनरेटर का ध्यान रखना है ना। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, इमोशनल होकर एकदम न्यूमेरिकल करने लग जाते हैं। न्यूमेरिकल नहीं करना है आपको, थोड़ा दिमाग लगाइए। पहली चीज तो ये हमारा अगर हम लोग डीसी मशीन बनाए, ठीक है, तो ये हमारा जनरेटेड ईएमएफ, अगर जनरेटर की बात होगी तो यहां पर अभी आपको दे रखा है 200 वोल्ट। क्या दे रखा है, 200 वोल्ट। जब मैं जनरेटर की बात करूंगा, तो जो ईजी होगा, जनरेटेड होगा, वो हमेशा पहले जनरेट होगा, फिर यहां पे कुछ ड्रॉप होगा, यहां पे कुछ ड्रॉप होगा और उसके बाद वहां जाएगा, उसके बाद कहां जाएगा, वहां जाएगा। मतलब जो जनरेटेड ईएमएफ है वो हमेशा 200 से ज्यादा रहेगा। तो जनरेटर के केस में जो ईजी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 200 वोल्ट बोल सकते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, अगर मोटर की बात करें तो मोटर की बात करेंगे, मतलब सप्लाई यहां से दे रहे, तो मोटर की बात करेंगे तो ईबी, तो हमेशा ये सप्लाई वोल्टेज ज्यादा रहेगा, ईबी कम रहेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ईबी लेस देन 200 वोल्ट। तो हम लोग डायरेक्टली ऑप्शन मैच कर ले, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो जनरेटर के लिए देख ले, पहला अगर जनरेटर का है हमारा, तो जनरेटर में जो ईजी होगा आपका, व्हाट इज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा 200 से ज्यादा होगा। तो ऑप्शन दे से 200 से ज्यादा कौन सा है, 200 से ज्यादा लगभग हमारे सभी हमारे 200 से ऊपर है, ठीक है। और मोटर में क्या होगा आपका, 200 से कम होगा। तो 200 से कम होगा मोटर में, तो कितना हो गया, सभी 200 से कम है, ठीक है। तो 200 से कम है, तो इसका मतलब हम लोग यहां से एलिमिनेट नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज ऐसे एग्जाम्स में कई बार एलिमिनेशन हो जाता है, एक बार करके देख लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या आ रहा है, जिसके हिसाब से हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो एलिमिनेट नहीं हो रहा, बट ये आपको ट्रिक बहुत सारे एग्जाम्स में काम आ जाएगी। तो यहां पर अगर देखें तो ये है हमारा 0.5 ओम, यहां पर आर्मेचर करंट कितना है, अगर मैं जनरेटर की बात कर रहा हूं ना, जनरेटर की बात कर रहा हूं, तो आर्मेचर करंट 50 एम्पीयर दे रखा है। तो हम लोग केवीएल घूम जाते हैं, तो कितना हो जाएगा, ईजी माइनस 0.5 इंटू 50 माइनस 200, तो ईजी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200, और ये हो जाएगा 55, ये एक शून्य गया 25, तो 225, तो 225 वोल्ट आ जाएगा हमारा जनरेटर का। 225 एक ही में दे रखा है, तो यहीं से सी ऑप्शन इज दी करेक्ट आंसर। तो बाकी मोटर का करने की जरूरत नहीं, अगर हाँ दो ऑप्शन में 225 होते तो आप करते, बट इन क्वेश्चंस में आपको ऑप्शन से ही ज्यादातर एलिमिनेट होने के चांसेस है। फिर भी एक बार आप दोनों का नहीं करना, मोटर का करने नहीं बढ़ जाना, ठीक है। तो आपको एक ही का कैलकुलेशन करना और उसके बिहाफ पे आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अ सीरीज जनरेटर कैन सेल्फ एक्साइट प्रोवाइडेड, ठीक है, प्रोवाइडेड क्या है आपका, स्पीड इज लो, इंटरपोल इज प्रेजेंट, द लोड करंट इज जीरो, द लोड करंट इज नॉट जीरो, ठीक है। तो सीरीज जनरेटर को हम लोग क्या है, नो लोड पे कभी भी स्टार्ट नहीं करते, नहीं तो डेंजरसली हाई स्पीड हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा हमारा, द लोड करंट इज नॉट जीरो, क्योंकि मान लीजिए ये है हमारा डीसी वो जनरेटर, ये फील्ड है, ये है लोड, तो यहां पर लोड कनेक्ट होगा तभी हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा। लोड अगर कनेक्ट नहीं होगा तो लोड करंट क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो द लोड करंट इज नॉट जीरो, ठीक है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, फ्लैशिंग द फील्ड ऑफ डीसी जनरेटर एक्चुअली मींस। देखो एक चीज टर्म होती है फील्ड फ्लैशिंग, यहां पर आपसे लिखा है फ्लैशिंग द फील्ड, कंफ्यूज कर दिया आपको, फील्ड फ्लैशिंग एक टर्म होती है, आप ध्यान रखिएगा, फील्ड फ्लैशिंग, ठीक है। समझा देता हूं मैं क्या होता है ये फील्ड फ्लैशिंग। फील्ड फ्लैशिंग का मतलब है कि कोई भी आपने स्टील अलॉय या जो भी मटेरियल लिया है, उसके पहले क्या होता है, जब भी आप, तो उसके डाइपोल्स रेंडमली अलाइन होते हैं, क्या होते हैं उसमें,
रेंडमली अलाइन होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल्स रेंडमली अलाइन होते हैं, कोई भी हमारा रॉ मटेरियल से जो भी मटेरियल निकलता है। हम चाहते हैं कि इसमें क्या कर दें, ये सिंपल स्टील है, थोड़ी देर के लिए मान लें स्टील है, थोड़ी देर के लिए इसके रेंडमली अलाइन है, इसमें कोई मैग्नेटिज्म नहीं है हमारा, पहली चीज। तो यहां पर मैग्नेटिज्म, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म क्या है, जीरो है। अब मान लो मैं चाहता हूं कि इस मटेरियल के अंदर क्या हो जाए, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म आ जाए, तो मैं क्या करूंगा इसमें क्या करूंगा कि मैं, अब मुझे पता भी होना चाहिए किस डायरेक्शन में मुझे चाहिए। मान लो मुझे इस डायरेक्शन में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म चाहिए, ठीक है, इस डायरेक्शन में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इस तरह से वायर को वाउंड कर दूंगा, इस तरह से वायर को वाउंड करके मैं डीसी अप्लाई कर दूंगा। जब डीसी अप्लाई करूंगा तो करंट हमेशा एक ही डायरेक्शन में होगा, तो चार फिंगर करंट के डायरेक्शन में रखो, कर्ल करो, तो थंब क्या दिखाएगा आपको, ओरिजिनेशन ऑफ फ्लक्स, मतलब यहां पे फ्लक्स क्या हो गया है, जनरेट हो गया है, फाइ आर, आर फॉर रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद क्या करेंगे हम लोग, इस डीसी वाइंडिंग को हटा देंगे। इस डीसी वाइंडिंग को जब हटा देंगे तब इसके अंदर क्या हो चुका है, अब वो मटेरियल जो था उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ चुकी है, इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है। अब इस मटेरियल से हम जो भी चीज बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, मैग्नेटिज्म होगा, अंटे अनलेस हमारा कई साल पुराना नहीं हो जाए, क्योंकि एजिंग इफेक्ट के कारण भी मैग्नेटिज्म कम होता है। जैसे नया टेस्टर लाते हैं ना हम लोग टेस्टर, तो टेस्टर में स्क्रू क्या होता है, मैग्नेटिज्म, जो नया टेस्टर होता है वो जब हम लोग स्क्रू ड्राइवर यूज करते हैं तो वो क्या होता है, चिपकता है, मैग्नेट होता है, बट वो क्या मैग्नेट का बना होता है, नहीं, वो इसी मटेरियल का बना होता है जिसके ऊपर हिस्ट्री में कभी ना कभी मैग्नेटिज्म अप्लाई किया हुआ। इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस रेसिडुअल मैग्नेटिज्म को क्रिएट करने के लिए जो डीसी हमको देनी पड़ती है उसको बोलते हैं फ्लैशिंग, फील्ड फ्लैशिंग प्रोसेस। ये प्रोसेस 15 मिनट तक तकरीबन चलती है, 15 मिनट तक हम लोग चलाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं फील्ड फ्लैशिंग, फ्लैश कर रहे हैं हम लोग फील्ड का किसी मटेरियल के ऊपर। तो हम क्या बोल देंगे, चेकिंग फील्ड पोलैरिटी, तो लास्ट ऑप्शन है क्रिएटिंग रेसिडुअल मैग्नेटिज्म बाय डीसी सोर्स, एसी सोर्स नहीं, क्योंकि एसी सोर्स में तो बार बार पलटेगा, तो आपका क्या होगा, कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी इधर, तो नहीं ऐसा नहीं होगा, नहीं तो बार बार मैग्नेटिज्म चेंज होता रहेगा डायरेक्शन, तो खत्म भी होते जाएंगे डायपोल्स, बार बार रिवर्स होते जाएंगे। तो हम क्या बोलेंगे, बाय डीसी सोर्स बोलना जरूरी है। अब आगे बात समझ में फील्ड फ्लैशिंग की, तो क्वेश्चन नंबर 9 यहां पे खत्म होता है, आगे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं।